आज हम गर्म और ठंडे पानी से एक बहुत ही मज़ेदार सा प्रयोग करेंगे। सबसे पहले मैं ड्रॉपर में स्याही या इंक भरूंगा और उसको ठंडे पानी में कुछ बूंदें डालूंगा। उसके बाद में ड्रॉपर से दोबारा मैं गर्म पानी में स्याही की कुछ बूंदें डालूंगा। अब सवाल यह है कि ठंडे पानी में या गर्म पानी में किस में यह इंक तेज़ी से मिक्स होगी। इस प्रयोग को आप घर में प्राप्त सरल सामान से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक गिलास में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, एक में स्याही और एक ड्रॉपर चाहिए। सबसे पहले जो खाली गिलास है दाएं वाला, उसमें हम फ्लास्क से गर्म पानी उड़ेलते हैं। बाएं वाले गिलास में पहले से ही ठंडा पानी मौजूद है। फिर मैं ड्रॉपर से मैं स्याही भरता हूँ और उसको बहुत हल्के हल्के से मैं ठंडे पानी में छोड़ता हूँ। आप देखेंगे कि ये स्याही नीचे तक गहराई में जाती है पर बहुत हल्के हल्के ही फैलती है। उसके बाद मैं ड्रॉपर में दोबारा स्याही भरूंगा और इस बार उसको गर्म पानी में छोड़ूंगा। अब आप देखिए गर्म पानी में कितनी तेज़ी से ये स्याही घुल मिल रही है, मिक्स हो रही है। दूसरे प्रयोग में हम गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों में एक साथ स्याही छोड़ेंगे और यहाँ पे बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि ठंडे पानी में स्याही बहुत धीरे धीरे घुल रही है जबकि गर्म पानी में एकदम घुल चुकी है। इसका क्या कारण है? एक कारण तो यह है कि गर्म पानी के अंदर जो परमाणु हैं उनकी गतिशीलता बहुत अधिक होती है, इसकी वजह से स्याही जल्दी घुल जाती है।